यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद् गीता अथ त्रयोदशो अध्याय। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि संजय, धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो क्षेत्र है कहां, किंतु जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वो क्षेत्र वस्तुतः है कहां। श्री भगवान वाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय, ये शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। वो उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है, ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। शरीर तो एक ही है, उसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये दो क्षेत्र कैसे? वस्तुतः इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमय प्रवृत्ति दैवी संपद है और दूसरी है आसुरी संपद, दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। ये चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सान्निध्य से जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। क्रमशः दैवी संपद का उत्थान और आसुरी संपद का शमन हो जाता है। आसुरी संपद के सर्वथा शमन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही दैवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अतः वो भी परमात्मा में स्वतः विलय हो जाती है। भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। आगे देखें। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतम् मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात साक्षात्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है, कोरी बहस का नाम ज्ञान नहीं है। तत्क्षेत्रं यच्च यात्रिक्च यद्विकारियतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च
तत्समासेन मे शृणु। वो क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वो सब मुझसे संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूं, ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है तथा नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के वाक्यों द्वारा भी वही कहा गया है। अर्थात वेदांत, महर्षि, ब्रह्म सूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर अर्थात क्षेत्र इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर कहते हैं, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरौ व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरा। अर्जुन, पंच महाभूत अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, अहंकार, बुद्धि और चित्त। चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया, अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपर्युक्त आठों अष्टधा मूल प्रकृति है तथा दस इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, रसना, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा, एक मन और पांच इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श तथा इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदारितम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह स्थूल देह का ये पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप से कहा गया। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? तो यही पांच तत्व, दस इंद्रियां, एक मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है, इन सब का सामूहिक संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक ये पिंड भी विद्यमान रहेंगे, इसलिए कि ये विकारों से बना है। अब उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप देखें जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि उससे निवृत्त है। अमानित्वमदं भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा कि
अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाओ। उसको अधोगति में पहुंचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हां, इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुंचाने से होता है। ये उसी का एक अंग प्रत्यंग है। अतः अहिंसा, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्योपासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सद्गुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहम का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और भोगादि में दुख दोष का बारंबार चिंतन, असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, धन और गृहादि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं अरतिर्जन संसदि। मुझ में अनन्य योग से, श्री कृष्ण एक योगी थे अर्थात ऐसे किसी महापुरुष में अनन्य योग अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का न आना, एकांत स्थान का सेवन, मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना तथा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, ये सब तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान है। ऐसा कहा गया है, उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ की पूर्ति में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अतः ब्रह्म के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यहां भी वही कहते हैं कि तत्व स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है, इसके विपरीत सब अज्ञान है। अमानित्व इत्यादि उपर्युक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक हैं। ये प्रश्न पूरा हुआ। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूंगा। वो आदिर रहित परम ब्रह्म न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वो अलग है तब तक वो सत है और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया
तो कौन किससे कहे। एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति से वो ब्रह्म न सत है न असत है, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला, तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है, सुनने वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृच। वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वो आसक्ति रहित गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है, अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कह आए हैं कि यज्ञ और तपों को भोगने वाला मैं हूं, अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलय हो जाते हैं। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वो ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने से वो दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञेय है, मन इंद्रियों से परे है, तथा अति समीप और दूर भी वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। अविभाज्य होकर भी वो संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है। वो जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण और पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। यहां बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है। जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योग क्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये सब उसी ब्रह्म के लक्षण है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। वो ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, तम से अति परे कहा जाता है। वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है। वो सबके हृदय में स्थित है, उसका निवास स्थान हृदय है, अन्यत्र ढूंढने पर वो नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगाचरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम
ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था उसी को प्रकृति, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को अब पुरुष शब्द से इंगित करते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान्। ये प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि जान, ऐसा संपूर्ण विकार तथा त्रिगुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य और करण अर्थात जिसके द्वारा कार्य किए जाते हैं, विवेक वैराग्य इत्यादि, तथा अशुभ कार्य होने में काम क्रोध इत्यादि करण है, उनको उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और ये पुरुष सुख दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वो भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा। जब प्रकृति पुरुष दोनों ही अनादि हैं, तब कोई उनसे छूटेगा कैसे? इस पर कहते हैं, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंते प्रकृति जान गुणा कारणं गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं कि वो किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। वो पुरुष उपद्रष्टा, हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वो साक्षी के रूप में खड़ा है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा, तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वो अनुमंता, अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योग क्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वो पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है। वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है,
किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है, तभी उसका मालिक है। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मेति चाप्युक्तो, जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी ये पुरुष अर्थात आत्मा परह ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में ये दृष्टा के रूप में था, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है, वो सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यही मुक्ति है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात उसका पुनर्जन्म से निवृत्ति पर प्रकाश डाला, और अब वे उस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया है आराधना, क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई पाता नहीं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हे अर्जुन, उस आत्मानम परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मना अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय देश में देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा अर्थात अपनी शक्ति को समझते हुए उसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और अन्य बहुत से उसे निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं, समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मुख्य साधन है ध्यान। उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दो धाराएं। अन्येत्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते पिचातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, वे इस प्रकार न जानते हुए अन्येभ्यः दूसरे जो तत्व के जानने वाले महापुरुष हैं उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं, और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। अतः कुछ भी पार न लगे तो सत्संग करें। यावत् समझायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान। प्राप्ति कब होती है? इस पर कहते हैं, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में
नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वो परमात्म स्वरूप है, इससे पहले नहीं। इसी पर पीछे अध्याय 8 में भी कहा था, भूत भावोद भव करो विसर्गह कर्म संज्ञतः। भूतों के वे भाव जो भले अथवा बुरे कुछ भी संस्कार संरचना करते हैं, उनका मिट जाना ही कर्मों की पराकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण है। वही यहां भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही सही देखता है। समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नहि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति पराम गतिम्। क्योंकि वो पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान, अर्थात जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किया जाता देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग भावं एकस्थमनुपश्यति ततैव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों में एक परमात्मा को प्रवाहित स्थित देखता है, तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण यह अवस्था आ गई, उसी क्षण वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय अनादि होने से और गुणातीत होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न करता है और न लिप्त ही होता है। किस प्रकार? यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। आगे कहते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं
प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अंत में निर्णय देते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा देख लेते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आंख ज्ञान है और ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है। निष्कर्ष। गीता के आरंभ में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम तो लिया गया, किंतु वह क्षेत्र वस्तुतः है कहां? वह स्थल बताना शेष था जिसे स्वयं शास्त्रकार ने प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट किया। कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है। जो इसको जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह इसमें फंसा नहीं बल्कि निर्लेप है, इसका संचालक है। अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। अन्य महापुरुषों से अपनी तुलना की, इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भी एक योगी थे, क्योंकि जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, अर्थात अन्य महापुरुषों की तरह मैं भी हूं। उन्होंने क्षेत्र जैसा है जिन विकारों वाला है तथा क्षेत्रज्ञ जिन प्रभावों वाला है उस पर प्रकाश डाला। मैं ही कहता हूं ऐसी बात नहीं है, महर्षियों ने भी यही कहा है। वेद के छंदों में भी उसी को विभाजित करके दर्शाया गया है। ब्रह्म सूत्र में भी वही मिलता है। शरीर अर्थात जो क्षेत्र है, क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है? इसके होने के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें गिनाते हुए बताया कि अष्टधा मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां और मन, इंद्रियों के 5 विषय, आशा तृष्णा और वासना, इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण यह शरीर है। जब तक ये रहेंगे तब तक शरीर किसी न किसी रूप में रहेगा ही। यही क्षेत्र है जिसमें बोया भला बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है। जो इसका पार पा लेता है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए उन्होंने ईश्वरीय गुण धर्मों पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है। उन्होंने बताया कि साधना के पूर्ति काल में परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है साक्षात्कार। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। जानने योग्य वस्तु है परात्पर ब्रह्म। वह न सत है न असत, इन दोनों से परे है। उसे जानने के लिए लोग हृदय में ध्यान करते हैं, बाहर मूर्ति रखकर नहीं। बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं, तो शेष निष्काम कर्म योग, समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उसी निर्धारित कर्म आराधना का आचरण करते हैं। जो उसकी विधि नहीं जानते वे तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा सुनकर आचरण करते हैं, वे भी परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कुछ भी समझ में न आए तो उसके ज्ञाता महापुरुष का सत्संग आवश्यक है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे आकाश सर्वत्र सम रहता हुआ भी निर्लेप है, जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है, ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र सम ईश्वर को जैसा है वैसा ही देखने की क्षमता वाला पुरुष क्षेत्र से अथवा प्रकृति से सर्वथा निर्लेप है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही संभव है। ज्ञान, जैसा कि पीछे बताया गया,
उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है। शास्त्रों को बहुत रटकर दोहराना ज्ञान नहीं, बल्कि अध्ययन तथा महापुरुष को उस कर्म को समझकर, उस कर्म पर चलकर, मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध के भी विलय काल में परम तत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है, उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। क्रिया आवश्यक है। इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया। वस्तुतः क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है। शरीर कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहां तक है? तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है। अनंत अंतरिक्षों तक आपके शरीर का विस्तार है। उनसे आपका जीवन ऊर्जस्वी है, उनके बिना आप जी नहीं सकते। यह भूमंडल, विश्व, जगत, देश, प्रदेश और आपका यह दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का एक टुकड़ा भी नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र का ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 13वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत्।